शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में लॉकडाउन के चलते मातंग समाज के कलाकारों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। शादी में बैंड बजाकर मिलने वाले पैसे से अपने परिवार का गुजर बसर किया करते थे, लेकिन अब उन पर भूखे रहने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में बैंड बजाने की परमिशन दे और अन्ना भाऊ साठे जन्मदिन के अवसर पर 100 करोड़ दिए जाए, इन मांगों का ज्ञापन विदर्भ बैंड यूनियन नागपुर बैंड एसोसिएशन द्वारा जिलाधीश रविन्द्र ठाकरे ने दिया गया। भारत यह संस्कृति प्रधान देश है। इस देश के कई राज्यों में और शहरों में मांग समाज के लोग रहते हैं। मांग समाज को मातंग समाज के नाम से भी जाना जाता है। मांग समाज का प्रमुख काम पुराने कपड़ों पर नए बर्तन देना और पुराने कपड़ों की बाजारों में बिक्री करना होता है। साथ ही इस मांग समाज पिछले कई वर्षों से शादी में बैंड बजाकर लोगों का मनोरंजन का काम भी करते हैं। बैंड बजाने के बाद कलाकारों को जो पैसे मिलते हैं उसमें वे अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन जारी हुआ तब से लेकर अब तक इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंड बजाने वाले सैकड़ों कलाकारों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। एक एक दाने के लिए मांग समाज के लोग पूरी तरह से तरस रहे हैं। समाज आज भी वही अवस्था में है जो पिछले कई वर्षों से दिखता था। इस समाज ने देश की स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने संगीत के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल भी फूंका था। कई मांग समाज के लोगों ने अपनी शहादत दी थी, लेकिन अफसोस कि आज भी इस समाज की हालत अच्छी नहीं हुई है। सरकार का उदासीन रवैया है। लॉकडाउन में शादियां जरूर हो रही है, लेकिन बैंड बजाने वाले कलाकार पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। इन तमाम बातों को सरकार के ध्यान में लाने के लिए विदर्भ बैंड यूनियन नागपुर बैंड एसोसिएशन के लहानू इंगले, कपिल पड़घन, प्रतीक खड़से आदि कई कलाकारों ने जिलाधीश को ज्ञापन दिया। इस बारे में लहानू इंगले, कपिल पड़घन ने इन विषय समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इन विशेषज्ञ की टीम जिलाधिकारी उस परिसर में जहां पे मातंग समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग आज एक ज्ञापन देने जिलाधीश को आए थे। आखिरकार उस ज्ञापन में क्या लिखा है और क्या इन मातंग समाज के लोगों की मांगे हैं, ये तमाम बात जानने के लिए इन विशेषज्ञ की टीम आई हुई है। ये तमाम लोग आज यहाँ पे है। हम आपको बता दें कि मातंग समाज वो समाज जिन्होंने अब तक के इस देश की काफ़ी सेवा की है, और चलिए उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या तकरीबन आप लोगों को किस बात को लेकर ये ज्ञापन दिया गया, क्या लिखा था उसमें? हमारा नागपुर में नागपुर बैंड एसोसिएशन है, इसमें करीब करीब हम लोग यहाँ 110 के करीब दुकानें हैं बैंड पार्टियों की। उसमें 4,500 से 5,000 करीब करीब लोग वर्कर लोग काम करते हैं, उनके फैमिली है। और गवर्नमेंट ने जो एक अध्यादेश निकाला है कि 50 लोगों में ही शादी करना है, जबकि हम लोग 20 लोग 22 लोगों का बैंड पार्टी रहती है। तो चलो हम लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि भाई चलो हम लोग 20 लोग नहीं रखेंगे, कम से कम 10 लोगों 15 लोगों की जो भी अगर परमिशन देना चाहे तो कम से कम हम लोगों की रोजी रोटी मिलेंगी। एक तो ये पिछड़ा हुआ वर्ग है, मातंग वर्ग बोलो, तो इसमें क्या होगा अगर रोजी रोटी हमारी नहीं मिलेंगी तो ये वर्कर लोग चाहे जो भी है बच्चे लोग है गलत रास्ते पर जाएंगे। गलत रास्ते पर ना जाए कि रोजी रोटी उनको मिले ना, ईमानदारी से जब रोजी रोटी कमाने के लिए हम लोग तैयार है तो सब लोगों को रोजी रोटी मिलना चाहिए। ये हमारा कहना है, जो 50 लोगों का जो बंधन है उसमें 10 लोग कम से कम बैंड वाले तो ऐड कर दीजिए, कम से कम 15 कर सकते तो अच्छी बात है, कम से कम 10 लोगों भी अगर बैंड उसमें ऐड होते तो कम से कम हमारी रोजी भी चलेंगी। हमारा ये कहना है कि शासन सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी करना चाहिए बैंड वालों के लिए, क्योंकि तो ये लॉकडाउन के चलते भुखमरी और सभी तरह की समस्या हम बैंड वालों के ऊपर आई हुई है। और लोकशाहर अन्ना भाई साठे की तरफ से जो 100 करोड़ रुपए की 100 करोड़ रुपए आए हुए थे लोकशाहर अन्ना भाई साठे जयंती के लिए, तो उस रुपयों का सही उपयोग इस समय में किया जाए, ऐसी मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ। जिलाधीश के पास में हम ज्ञापन लेके गए, उनका ऐसा कहना ऐसा पड़ा कि अभी जो 50 लोगों की परमिशन दिए है उसके सिवा अभी हम कुछ सामने में कोई काम नहीं कर सकते। उनके पूछा गया कि क्यों, तो बोले ये शासन का निर्णय है और शासन के तरफ से हमको ऑर्डर आएगा उसके बाद में ही हम करेंगे। पर हमारा कहना ऐसा है,
कि और भी शहरों में जिलाधिकारी बेस पे और कलेक्टर बेस पे कुछ जगह पे परमिशन आई है। हमारा ऐसा कहना है कि जैसे राजू जी ने बोला है कि नहीं हमको 20-25 आदमी की परमिशन देते हो तो हमको 10-12-15 आदमी तो भी बैंड बजाने का जो 50 लोगों की परमिशन मिली है उसमें हमें समाविष्ट करें, ताकि हमको परमिशन देने से और मिलने से हम कस्टमरों को ग्राहकों को बताएंगे आज ग्राहक भी नहीं आ रहे। पहले ही हम बहुत बुरी तरह से मरे हुए लोग हैं और आज हमारी पूरे भूखे मरने की और पूरे तरह से हम खत्म होने की हमारी स्थिति में हैं। तो इस प्रकार की चेतावनी मंगलदीप बैंड पार्टी के संचालक लहानी इमली इन्होंने दिया। इन्होंने ये बताया है कि जिस प्रकार से ये बैंड के कलाकार कामकाज करते हैं उन्हें वेतन देने के लिए या और कुछ काम के लिए बैंड से इन्हें पैसा लेना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी पे भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। लेकिन ये मांग जो समाज है, इन लोगों की काफ़ी हालत बुरी तरह से हो चुकी है, इनको खाने के लिए कुछ नहीं, इनके भूखे मरने की नौबत तो आ ही चुकी है। ऐसे में शासन प्रशासन ध्यान दे और इन लोगों का जीवन संवर्धन करे, यही इनकी मांग है। इस समय में कुणाल पड़गम हमारे साथ में है, आइए कपिल पड़गम है, उनसे भी जानना चाहेंगे। कपिल जी, ये बताए कि जब जिलाधिकारी से आप मिले, जिलाधिकारी ने क्या आपके बातों के ऊपर में गौर किया, क्या कहना चाहोगे? सर्वात पहले तो मी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्व जनतेला मातंग समाजाच्या बँड कलाकारांना जय लव जी। मित्रांनो, आज आम्ही जिल्हा अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केलं, त्या निवेदनमध्ये असं नमूद केलं होते की मातंग समाजांच्या बँड मालकांना आणि कलाकारांना 15 लोकांची परमिशन देण्यात यावी, पण जिल्हा अधिकारी साहेब हे परमिशन द्यायला नकार करत आहे, प्रशासन आमच्या इकडे दुर्लक्ष करत आहे। यासाठी आम्हाला आम्ही जाहीरपणे कठोर शब्दामध्ये निषेध करतो, कारण आम्ही एक मातंग समाजाचे गरीब कलाकार आहे, आमचा परिवार ह्या व्यवसायावर अवलंबून आहे आणि एका व्यक्तीच्या मागं 20 लोक आहे। याचं कॅल्क्युलेशन करा, हजारो लोकांचं कॅल्क्युलेशन केलं तर आज उपासमळीची वेळ आली आहे आणि संपूर्ण मातंग समाज आहे, बँड कलाकार वाद याच्या अवलंबून आहे। तर आज आमच्या याच्या उपासमारचं आम्ही आत्महत्या केलं तर प्रशासन याचा जिम्मेदार राहणार आहे। प्रशासनांना मी आज आवाहन करतो की येत्या 4 दिवसात प्रशासनाने आम्हाला परमिशन नाही दिली तर संपूर्ण महाराष्ट्राला विदर्भात आम्ही परिवारासोबत जाहीर उपोषण करू आणि मोठं आंदोलन रस्त्यावर उभं करू। मी साहेब हे बोलणं चाहतो की NBCN केबल नेटवर्क आज हर समाजाला हर लोकांना न्याय देते, मी त्यांना विशेष विनंती करतो NBCN चॅनलने आमच्या गोरगरिबाकडे, आमच्या मातंग समाजाकडे, आमच्या बँडवाल्यांकडे लक्ष द्यावं आणि हे पूर्ण प्रसिद्धी करून आम्हाला थोडंसं न्याय मिळण्यामध्ये NBCN न्यूजने सहयोग करावा एवढी विनंती करतो। बिल्कुल, इस प्रकार की गुजारिश लहान इमली इन्होंने किया। जब इन्होंने ज्ञापन दिया तो जिलाधिकारी ने इनकी बातों को तो पूरी तरह से समझ लिया। इनकी दो मांगे थी, जिसके अंदर में इन्होंने ये कहा था कि तकरीबन 15 लोग ऐसे कलाकारों को पूरी सुविधा चांस देना चाहिए, क्योंकि शादी हो रही है, शादी में 50 लोग या 25 लोग रहने की हिदायत भी दे चुकी है। शहर में कई ऐसी शादियाँ हो रही है लेकिन संगीत के बिना शादी अधूरी, और ख़ास बात यह है कि संगीत ही उनका जिनका जीवन है, जिनकी रोजी रोटी है, आज भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। मांग समाज के ऐसे कई लोग नागपुर में नहीं, विदर्भ में नहीं, तो पूरे राज्य में नहीं, तो पूरे भारतवर्ष में कई लोग प्रभावित हुए, भूखे मर रहे। आप देख रहे हैं कि कभी कभार इस शहनाई से कानों को सुकून और एक मनोरंजन का कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन आज ये खुद शहनाई रुक चुकी है। इसकी वजह है क्योंकि लॉकडाउन और मांग समाज के ऊपर में हो रहा है अन्याय और अत्याचार। इसको जल्द से जल्द न्याय मिले, इन लोगों को मूलभूत अधिकार मिले, क्योंकि लोकशाही में जीने वाले ये भी लोग हैं, इन्हें भी कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज के साथ अपने देश की सेवा करने का पूरा पूरा सहयोग मिलना चाहिए, यही इन लोगों ने आशा की है। जिलाधिकारी कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।